ओम वंदे का मात्र। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं भुजंगासन के विषय में। मित्रों ये आसन बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही सरल है। इस आसन का अभ्यास हर कोई कर सकता है, किसी भी स्थिति में हो वो कर सकता है, पर हाँ इसमें थोड़ी सी सावधानियां रखनी है और किस प्रकृति वाले को कैसे करना है और आप इसके व्यायाम कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप आसन को व्यायाम भी बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें सावधानियां क्या रखनी है, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। तो मित्रों सबसे पहले बता दूं कि आप यदि कोरोना से पीड़ित हैं या आपको कोरोना से डर लग रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली प्लेलिस्ट हमने दिया कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग, और आपके शरीर में कोई भी कैसा भी रोग है उस पर हमने विस्तार से वीडियो दिया है हमारी प्लेलिस्ट दवा मुक्ति में, और नहीं मिल रहा है तो हमें बताइएगा, हम आपको बता देंगे आपको कहाँ वीडियोज मिलेंगे, ताकि आप अपने हर रोग का समाधान बिना किसी दवा के, क्योंकि हमारा उद्देश्य दवा मुक्ति, और दवा मुक्ति के लिए आपको हम जो निर्देश देंगे आप पूरा पालन करेंगे तो मित्रों आप कैसी भी दवा खा रहे हो आप छोड़ सकते हैं, बस हाँ थोड़ा समय लगेगा, निर्भर करता है कितने निर्देशों का पालन करते हैं। तो चलिए हमने आपको सूचना दे दी, अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों भुजंगासन के विषय में। जब आप भुजंगासन करते हैं, मैंने कहा ना इसको हर कोई कर सकता है, ये बहुत सरल अभ्यास है मित्रों। तो इस भुजंगासन को करने में आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता है। आप अक्सर जो नॉर्मली बैठते हैं ना, आप लोग कैसे बैठते हैं, नॉर्मली लोगों की आदत होती है ऐसे करके बैठते हैं, और आजकल तो मैंने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा पता नहीं मोबाइल हाथ में ले लेंगे, अभी मेरा मोबाइल यहाँ है नहीं, आगे पीछे मैंने कर दिया, एकदम पता नहीं कैसे कैसे बैठ जाते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। जब आप ऐसे टेढ़े मेढ़े होके बैठ जाते हो ना, तो ये आप देखिए पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी कितनी सारी डैमेज होती है, ये जो आकार होता है उससे कहीं ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो जब आप ये अभ्यास करेंगे ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि जो आपने ऐसे उसका आधार बना दिया उसके बाद लचीलापन मिलता है, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है। और मित्रों रीढ़ की हड्डी यदि आपकी सही है तो आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ होने में पूरी सहायता मिलती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है ना मित्रों वो हमारा आधार होती है। आपने सुना होगा कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को बर्बाद करना, भले इसकी कमर तोड़ दो, रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी आधार होती है, और जिसकी रीढ़ की हड्डी ठीक से काम ना करे वो बिस्तर पकड़ जाता है, ये हम सब जानते हैं। अब आपको ये रीढ़ की हड्डी में कहाँ कहाँ आराम देगा मैं आपको बता दूँ, यदि आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, लोअर बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, कुछ भी है मित्रों, कमर की कोई भी समस्या, पीठ की कोई भी समस्या, रीढ़ की हड्डी की कोई भी समस्या, तो उसके लिए अभ्यास बहुत ही कारगर है। हाँ अभ्यास आपको धीरे धीरे बढ़ाना होगा, धीरे धीरे शुरू करना होगा, हम आपको सारी विधियाँ बताएंगे। उसके बाद मित्रों इसके काम क्या, ये क्या क्या और फायदा करता है मैं आपको वो भी थोड़ा विस्तार से बता दूँ। जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो यह अभ्यास जो है ना आपके थायराइड को एक्टिव बनाता है, तो आपके जो बॉडी में हार्मोनस डिसबैलेंस होते हैं वो आपके बैलेंस होने लग जाते हैं। उसके बाद मित्रों जिनकी आजकल फेफड़े कमज़ोर हैं, फेफड़े भरे नहीं जाते हैं, सांस ठीक से नहीं आती है, वो यदि इस अभ्यास को करते हैं ना मित्रों, तो आपके फेफड़ों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कहा ना जब आप ऐसे बैठते हैं आपके फेफड़े, आपका हृदय, आपका पाचन तंत्र सब कुछ डैमेज होता है, आपकी किडनी सब कुछ डैमेज होती है, जब आप इस अभ्यास को करते हैं उससे विपरीत अभ्यास है, ये जो आपका बैठने का नॉर्मल तरीका है ना उससे थोड़ा सा विपरीत अभ्यास है, तो आपके फेफड़े खुलते हैं और आपके हृदय ठीक से काम करने में उसकी सहायता होती है। और साथ ही जिनको अपर बेली फैट की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिनको अपर बेली फैट परेशान कर रहा है, उनके लिए अभ्यास तो रामबाण है मित्रों। यदि आप इसको करेंगे ना, आपका अपर बेली फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। जब अपर बेली फैट कम होता है ना, उसके साथ थोड़ा लोअर बेली फैट भी प्रभावित होता है, तो उस पर भी प्रभाव आता है। और साथ ही जो साइड की चर्बी है ना, जब आप करेंगे ना आपको पता चलेगा कि कैसे, जब आपकी रिब्स प्रभावित होती है ना, ये रिब्स जो आपकी पसलियाँ हैं, तो उसके साथ आपकी कमर की चर्बी भी प्रभावित होती है। तो मित्रों ये संपूर्ण अभ्यास सरल भी है करने में, और आप जब करेंगे तो इसके अभ्यास आपको पता चलेंगे कैसे कैसे करना है, आपकी प्रकृति का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले आपको उल्टा लेट जाना है, आप आराम से उल्टा लेटिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, उल्टा लेटने में आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पैर देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी, पैर आपके पीछे सीधे होने चाहिए, आपको ऐसे पैर नहीं रखने हैं, पैर आपके सीधे होंगे। उसके बाद आपको हाथों को दोनों को यहाँ अपनी पूरा जमीन पर टिक जाइए पहले, उसके बाद आपके कंधे के बाद पास हाथ आएंगे, और हाथ कंधे के पास रख के आप आगे से धीरे धीरे अपने आप को उठाएंगे और पूरा उठाएंगे। आप देखिए कोहनी सीधी नहीं होगी अभी, इसमें कोहनी अभी आपकी गोली रहेगी, और जितना आपसे हो उतना उठाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने एकदम तान दिया, वो नहीं करना है। कि यदि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही हल्के से करना है, हो सकता है शुरुआत में आप इतना ही कर पाएं, बस इतना कर पाएं कोई बात नहीं, इतना करिए, जितनी देर रुका जाए उतनी देर रुक जाइए, बाकी आप नीचे आ जाइए। अब इस अभ्यास में ध्यान क्या रखना है, आप जब ऊपर जाते हैं ना तो सांस आपकी भर जाती है, कैसे ये देखिए, सांस भरते हुए
ऊपर जाएंगे और जितना शुरुआत में जितना चाहे थे उतना चाहिए, फिर धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे। हाथ इसमें सीधे नहीं होंगे, मोस्टली इसमें हाथ सीधे नहीं होते हैं। यदि आप करते हैं तो क्या होता है ना, कभी कभी उसका लोअर बैक पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा आ जाता है, तो इस अभ्यास में आप हाथ को सीधा ना करें। हाँ, सूर्य नमस्कार में जब ये अभ्यास होता है तो उसमें हाथ सीधे होते हैं, पर इसमें आपको यदि आपको शरीर में तकलीफ है तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। आप हाथों को थोड़ा गोली रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह आपको ये अभ्यास करना है और आपको ये अभ्यास मोर का ध्यान रखना है। यदि आपकी प्रकृति वात की है, पित्त की है, तो इसमें आपको गति नहीं बढ़ानी है। गति मैं आपको अभी बताऊंगी। आपको क्या करना है, ऐसे अभ्यास में रुकना है, आप जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए। जब आप ऊपर रुकेंगे ना मित्रों, तो इसमें आपकी सांस बहुत हल्की चलने वाली है, बहुत छोटी छोटी सांस लेगी। जैसे आपको मैं बता दूं करना कैसे, ऊपर उठ गए, गर्दन पूरी ऊपर, ऊपर की तरफ देखना है, आंखें आसमान की तरफ, आपका पूरा पैर पीछे सीधे हैं, आप पूरे बॉडी को मेरे देख सकते हैं मैंने कैसे इसको किया है। उसके बाद मुझे थूक निकलना था तो गर्दन नीचे करनी पड़ गई थोड़ी सी। अब यहाँ जब आप रहेंगे ना, आपकी सांस बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की चलने वाली है, कोई बात नहीं, बहुत छोटी सांस चलेगी, आपको शायद महसूस हो जाए छोटे कैमरे में। इस तरह से आप इस अभ्यास में रुक सकते हैं और जब लगे कि आप नहीं रुका जा रहे तो आप वापस नीचे आ जाइए और उसके बाद वापस आप ऊपर जाइए। इसी तरीके से आपको करना है। अब मित्रों ये अभ्यास आपको जो करना है, ये मैंने बताया जिनको वात और पित्त की समस्या है उनको स्थिरता पूर्वक करना, उनको गति नहीं बढ़ानी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वात में गति बढ़ाने से आपके वात के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं और वहीं पित्त में गति बढ़ाने से आपकी गर्मी बढ़ जाती है, तो दोनों ही नुकसान करते हैं। पर जिनको कफ की प्रॉब्लम है, जिनका मोटापा बहुत ज्यादा है, वो इस अभ्यास को कैसे करेंगे, ऐसे हाथ रख लिया और ये आंखें खोल के करेंगे, नहीं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए आंखें खोल के करेंगे। पर ध्यान आपको क्या रखना है इसमें कि आप एक सांस भर के भी कर सकते हैं और आप हर बार सांस ले लें वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं दोनों तरीके से आपको बताऊं, सांस मैंने भर ली, ठीक है, अब ये ठीक है, आप एक सांस में 10-20-50 बार भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सांस कैसी है, कितनी है। मैं थोड़ा नीचे सरक गई, हाँ, तो सांस कैसी उस पर डिपेंड करता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आपको लगता है कपालभाति भी करना है तो इसके साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं। कैसे, इसी में आप क्या करेंगे, ये हम हर बार सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हमने ऊपर जाते सांस भरी और नीचे आते सांस छोड़ी, तो आप दोनों तरीके से इस अभ्यास को कर सकते हैं, ये आपके लिए कारगर है, आप जैसे करना चाहें। पर ध्यान रखिए ये सिर्फ कफ वाले कर सकते हैं, पित्त और वात वाले इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें, ये आपको नुकसान कर जाएगा। अब इसका मैं दूसरा अभ्यास आपको बता दूं, इसको और कैसे किया जाता है। हाथों के ऊपर हाथ रख लीजिए इस तरीके से, आप एक दिन ऐसे रखिए, दूसरे दिन ऐसे रख लीजिए, ठीक है, आप दोनों तरीके से कर पाएंगे। एक दिन ऐसे रखा, दूसरे दिन आपको ध्यान रहेगा जब आप करेंगे तो। उसके बाद क्या करना है, इस पर ठुड्डी लगा दी ऐसे, उसके बाद आपको दोनों हाथों को उठाना, ऐसे उठाना है और कोहनी सीधी हो जाएगी इसमें और गर्दन पूरी ऊपर। शुरुआत में जितना चाहे उतना करिए, पर बाद में आपकी गर्दन पूरी, पीठ पूरी गोल हो जाएगी ऊपर से। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं, इसमें आप गति बढ़ाना उतना कारगर नहीं होता क्योंकि यहाँ स्लिप हो जाते हैं, तो गति आपको बढ़ानी तो ऐसे ही बढ़ाइए, इसमें गति मत बढ़ाइए, इसको आप स्थिरता के साथ करिए। और जब आप ये अभ्यास करते हैं ना मित्रों, आपको कितनी देर करना है प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। आपको यदि मोटापा है, यदि आपको वजन कम करना है, तो इस अभ्यास को आप करीब 15 मिनट कर सकते हैं। जी हाँ, 15 मिनट कैसे, जैसे फटाफट वजन कम करना है तो जैसे हमने बताया था ना, वो कर सकते हैं। और यदि आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम है, जो हमने बताया वो प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको इस अभ्यास को भी 15 मिनट ही करना है, पर आपको स्थिरता के साथ करना है। जी हाँ, आपको गति बढ़ा के नहीं करना, आपका समय करीब करीब सेम है, पर वहाँ कहा ना जैसी आपकी स्थिति है, क्योंकि आप कहा ना बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे जिससे आपको नुकसान हो जाते हैं, आपको फायदे पूरे नहीं मिल पाते हैं। अब ये अभ्यास करने के बाद नॉर्मली आपको क्या करना है, जब आप ये अभ्यास करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पीठ में दर्द सा हो रहा है, क्योंकि आपको अभ्यास की आदत नहीं है तो आपको दर्द जैसा महसूस होगा। तो आपको उस समय क्या करना है, इसी को रिलैक्स करने के लिए आप ऐसे बैठ जाइए वापस, और सीधे बैठने के बाद आपको जैसे बैठा जाए, यदि ऐसा नहीं बैठ पाते तो आप पैर चौड़े करके भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा आगे झुकना है, कैसे, ऐसे जितना आप झुक पाएं उतना झुक जाइए, ऐसे बैठेंगे तो भी कर सकते हैं, जैसे भी आप बैठ पा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के करें, जैसे भी आपको करते बने आप ऐसे झुक जाइए,
अभी देखिए हमने रीढ़ की हड्डी को जो पहले कर दिया था आसन में, उसका हमने विपरीत आसन किया है। उसके अलावा आप चाहें तो एक आसन और कर सकते हैं, इसको पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं। कैसे करना है आपको, ऐसे पैर को सीधा कर लिया, उसके बाद आपको अपने ही पैरों को पकड़ना है, जितना आगे उतना कर लीजिए। ये आपकी देखो विपरीत करनी आसन हो गया, उसका विपरीत आसन हो गया। तो इस प्रकार आप इस आसन का अभ्यास पूरा कर सकते हैं। और यदि फिर भी कमर में दर्द आ गया है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको आराम से लेटके थोड़ा मरकट आसन का अभ्यास कर लेना। ये इस तरीके से, ये बाबा अक्सर बताते हैं, मैंने भी आसन प्लेलिस्ट में इस पर वीडियो दिया है, आप करेंगे ये आपको काफ़ी लाभ देगा। तो आप इस तरीके से अभ्यास कर लीजिए ताकि आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो जाए। मित्रों ये जो आसन है मरकट आसन, ये आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत अच्छा योगदान देता है। पर हाँ, जो आपकी कमर जाम हो गई थी उसमें ये आपको हमने भुजंग आसन बताया, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। वो बोला ना, हमारा जो पोस्चर बन जाता है उसको सही करने में पूरी सहायता करेगा। तो मित्रों हमने इसको लाभ इसके आपको लाभ भी बताए हैं, इसको करने की विधि भी बताई है, सावधानी भी बताई है। और इस अभ्यास को आप खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा है, आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करके करेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट दे रखी है, जिसमें हमने बताया आपको नाक में तेल क्यों डालना है, कैसे डालना है, सारी विधि हमने बताई है, भोजन कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पानी क्यों पीना, कितना पीना। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करते हैं ना मित्रों, तो एक आसन भी आपके लिए सक्षम होता है कि आपके शरीर के रोगों को ठीक कर दे। जी हाँ, हमारे शास्त्र सब बताते हैं। पर आसन का जो अंग आता है ना, यम नियम के बाद आसन आते हैं, तो आप आसन से पहले यम नियम का भी थोड़ा पालन करेंगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो मित्रों हमने आपको अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी है, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन के सभी लिंक एक बार चेक करिए ताकि आपको अपनी सुविधा अनुसार कुछ पालन करना है वो कर सकें और अपने रोगों को ठीक करना कर सकें। हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, डिस्क्रिप्शन में ही आपको इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, आगे हमारा नंबर भी मिलेगा। अब हमसे कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।